महात्मा की समाधि पर हम लोग उपस्थित हैं। क्या कहूँ उनके विषय में, कहाँ से आरंभ करूँ उनके विषय में। हृदय में आता इतना कुछ कहूँ, इतना कुछ कहूँ, इतना कुछ कहूँ। उनका शुभ आविर्भाव यही गौड़ मंडल में एक हापानिया नाम का ग्राम है, वहाँ पर पूज्यपाद महाराज जी का बड़े उच्च कुल में, ब्राह्मणों में भी उच्च कुल में उनका शुभ आविर्भाव हुआ। बाल्यकाल से ही बड़े पराविद्यानुरागी थे। उनकी माता जी उनकी माता जी उनके लिए नाना प्रकार के व्यंजन बनाती और वो कुछ भी ग्रहण नहीं करते, केवल वो कड़वा नीम का पत्ता और शुक्ता जो महाप्रभु को प्रिय था उसके साथ में चावल के साथ में उसको ही ग्रहण करते। बचपन में शिव जी की बड़ी भक्ति किया करते थे और प्रतिदिन गंगा स्नान करने जाया करते थे, कई किलोमीटर पैदल चल के। बाल्यकाल से बड़े पराविद्यानुरागी थे। अनुशीलन करने का शास्त्र अनुशीलन करने में बड़ी रुचि थी, बड़ी रुचि। उनकी माता पिता उनको संतान, उनकी संतान जो उनसे पहले पूज्यपाद महाराज जी से पहले पुत्र इत्यादि हुए, उनकी संभवतः मृत्यु हो गई थी जहाँ तक मुझको स्मरण है, अथवा संतान नहीं हो रही थी। तो उनकी माता जी जो है वो शिव जी के उपवास इत्यादि किया करती थी उनके लिए। तो उनकी एक ताई थी, उनका भी नाम मुझको स्मरण था, अभी स्मरण नहीं था, दुर्गा बाला देवी ऐसे करके उनकी ताई थी। वो तीर्थ यात्रा करने गई थी और उन्होंने एक दिन तीर्थ यात्रा करते समय स्वप्न देखा कि स्वप्न में एक देवता ने आकर के उनके हाथ में, उनकी गोद में एक छोटे से बालक को रख दिया। तो स्वप्न देख करके बड़ी प्रसन्न हुई, उनके मन में आया, पूज्यपाद महाराज जी की माता का नाम था गौरी बाला देवी, तो उनके मन में आया, उनकी ताई जी के मन में, कि ये जो गौरी बाला है इनको तो कोई संतान नहीं है, तो देवता ने जो मुझको ये पुत्र दिया है मैं इसको गौरी बाला को दे दूँगी। और उसके पश्चात उनका स्वप्न भंग हो गया। तीर्थ यात्रा करके घर लौटी, तब तक पूज्यपाद महाराज जी का जन्म हो गया था। घर में लौट करके देखा, रहे जिस बालक को देवता ने मुझे स्वप्न में दिया था ठीक वही बालक जो है वो तो गौरी बाला देवी की गोद में विराजमान, बड़े दिव्य शिशु के रूप में उनका आविर्भाव हुआ और बाल्यकाल से ही बड़े अद्भुत चेष्टा संपन्न। उनकी आत्मचरित्र में उन्होंने अपने बाल्यावस्था के विषय में, युवावस्था के विषय में बहुत कुछ बतलाया उन्होंने, बहुत कुछ। जब उनके पिता की मृत्यु हो गई तो बड़ी उन्माद की दशा उनकी हुई, बड़ी उन्माद की। शास्त्र अनुशीलन करने में उनकी बड़ी रुचि थी, बड़ी रुचि। धर्म के विषय में बड़ी रुचि थी। स्थान स्थान पर जाते, सदगुरु का अन्वेषण करते, ढूंढा करते, जहाँ पर भी उनको कुछ सुनने में आता कि कोई महात्मा बड़े प्रसिद्ध है उनके निकट में जाते। और स्वयं बड़े धुरंधर पंडित थे, बड़े धुरंधर पंडित। माता पिता ने नाम रखा था रामेंद्र सुंदर देव शर्मा भट्टाचार्य, भट्टाचार्य कुल के थे। और बाल्यकाल से ही बड़े पराविद्यानुरागी, तो कहीं पर सुनते कि कोई बड़े प्रसिद्ध महात्मा है तो उनके निकट में जाते, उनसे धर्म संबंधी प्रश्न करते, किंतु कोई उनके प्रश्नों का संतुष्टिजनक उत्तर ही नहीं दे पाता तो चरणाश्रय किसका करते। इसी प्रकार भ्रमण करते 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 बहुत कुछ उनकी आत्मकथा, उनके पिता की मृत्यु हुई। जब पिता की मृत्यु हुई तो बड़ा उन्होंने वैराग्य किया, ऊँचे कुल के ब्राह्मण थे, बड़े स्मार्ट विचार उस समय में प्रबल थे। पिता की मृत्यु के समय
एक वर्ष तक मृत्यु के पश्चात पुत्र जो है वो तो बहुत कुछ वस्तुओं का व्यवहार नहीं कर सकता, छाता व्यवहार नहीं करेगा, पादुका व्यवहार नहीं करेगा। उन्होंने उसमें और भी कई सारी चीज़ें जोड़ दी, बिल्कुल दिव्य उन्माद की अवस्था में रहते, एकदम अवधूत जैसे दिव्य उन्माद, और सदगुरु को ढूंढा करते थे, कहाँ मुझको मेरे गुरुजी मिलेंगे। तो एक समय उन्होंने एक विज्ञापन पढ़ा, कलकत्ता में जा रहे थे कहीं, तो मार्ग में एक विज्ञापन पढ़ा, लिखा हुआ था गौड़िया मठ में एक महीने तक महोत्सव, और उससे पहले वो लॉ के छात्र थे, तो जब लॉ पढ़ा करते थे तो हॉस्टल में रहते थे, और वहाँ पर उनके एक मित्र थे, उनका नाम सुरेश भट्टाचार्य था। दोनों एक दिन छत पर टहल रहे थे दातुन करते करते, तो वो सुरेश भट्टाचार्य जी ने बात करते करते महाराज जी से कहा अपने पिताजी के विषय में, पिताजी ना कह करके भद्रलोक कह दिया, भद्रलोक समझते हैं तो जेंटलमैन, अपने पिता को पिता ना कह करके भद्रलोक कह दिया। तो पूज्य बाद महाराज जी ने उनसे पूछा कि भाई तुम अपने पिता को पिता नहीं कह रहे हो, भद्रलोक जेंटलमैन क्यों कह रहे हो, अपने पिता को पिता कह करके बात करो। तो उन्होंने कहा कौन किसका पिता, कौन किसकी माता, कहाँ से हम आए, कहाँ हम चले जाएंगे। महाराज जी जद भी बड़े तार्किक थे, प्रारंभ में बड़े प्रश्न उत्तर किया करते थे, तार्किक माने उस प्रकार के तार्किक मत समझ लेना, माने धर्म संबंधी बड़े प्रश्न किया करते थे। किंतु जब वो सुरेश भट्टाचार्य जी ने इनसे कहा कौन किसका पिता कौन किसकी माता, तो महाराज जी ने अपनी आत्मकथा में लिखा है कि उनकी इस बात का मैं कोई प्रत्युत्तर नहीं दे सका, मैं मौन हो गया। और कहते उसी समय से मेरे हृदय में जो है ना एक प्रकार की बड़ी गंभीर खलबली मच गई, कौन किसकी पिता कौन किसकी माता कौन किसका पिता, कहाँ से हम आए कहाँ हमको जाना है, और अधिक उनकी उन्माद की दशा हो गई। उसी समय में किसी ने उनको चैतन्य महाप्रभु जी से संबंधित कुछ ग्रंथ दिए, उनको पढ़ करके तो उनकी और विचित्र दशा हो गई, रात दिन बस सदगुरु के लिए वो व्याकुल रहते। तो एक दिन ऐसे ही उसी अवस्था में कलकत्ता में कहीं जा रहे थे, उन्होंने एक पोस्टर देखा विज्ञापन गौड़िया मठ में एक मास के लिए महोत्सव। महाराज जी के मन में विचार आया ये गौड़िया मठ वाले तो अवश्य ही चैतन्य महाप्रभु के अनुगत होंगे, तो गए गौड़िया मठ में। वहाँ पर एक कीर्तनानंद प्रभु जी थे, उनसे मिले, उन्होंने प्रभुपाद जी के विषय में बताया। उस समय में जब ये मठ में पहुँचे, प्रभुपाद जी नगर संकीर्तन करने के लिए गए हुए थे बाहर, ये मठ में बैठ गए। नगर संकीर्तन करते करते प्रभुपाद जी आए, सबसे आगे आगे चल रहे थे, हाथ में दंड है। प्रभुपाद जी को देखा और देखते ही प्रथम दृष्टि में बस पहचान लिया, यही हैं जिनका मैं अन्वेषण कर रहा था, जिनको मैं ढूंढ रहा था। प्रभुपाद जी आए मठ में, बैठे और बैठ करके उन्होंने कुछ हरि कथा कही, और महाराज जी तो सुन करके बड़े, उनके चित्त को एक प्रकार से कह सकते हैं बड़ी, जैसे बड़े दिनों से प्यासे हों किसी वस्तु के लिए और वो वस्तु मिल जाए। अब प्रतिदिन मठ में जाने लगे, और मठ में जाते प्रभुपाद जी के कक्ष में चले जाते, उनसे हरि कथा सुनते। एक दिन ऊपर जा रहे थे तो जो कीर्तनानंद प्रभु जी थे उन्होंने इनको रोक दिया, और रोक करके इनको बड़ा कर्कश भाषा में इनसे कहा कि बिना पूछे अंदर मत जाना, नीचे बैठ जाओ, बिना पूछे प्रभुपाद जी के कक्ष में प्रवेश मत करना। महाराज जी चुपचाप सुने और चुपचाप नीचे उतरे, मठ से बाहर चले गए। उनके मन में आया, अरे इतना कर्कश शब्द भी कोई किसी को बोलता है, मैं तो समझता था कि साधुओं का जो व्यवहार है वो बड़ा कोमल होना चाहिए, सुन करके वापस जा रहे थे। किंतु वापस जाते जाते उनके मन में विचार आया, क्योंकि बड़े पढ़े लिखे थे, बड़े धनी मानी घर के थे, और उच्च कुल के ब्राह्मण, भट्टाचार्य कुल के ब्राह्मण, तो कितना मान सम्मान होगा उनका। किंतु मार्ग में जाते जाते उनके मन में एक विचार आया, यदि मैं किसी ऐसे स्थान पर जाऊँ जहाँ मुझे बाहर से तो प्रचुर परिमाण में मान सम्मान मिले किंतु मेरा आत्ममंगल नहीं हो, ऐसे स्थान पर जाने का मेरा लाभ क्या है, और यदि मैं इस स्थान पर जाऊं जहां मुझे मान सम्मान ना मिले किंतु मेरा आत्ममंगल हो तो मेरा अधिक लाभ किसमें है। फिर उनके मन में विचार आया सुखदेव गोस्वामी जी हैं, उनको अभी तो उनके विषय में भी तो आता है ना, उनको 7 दिन तक जनक महाराज जी की सभा में जाना पड़ा, उसमें भी विचार है कि वो छाया सुख थे ना कौन से सुख थे, वो तो एक पृथक प्रसंग है। किंतु सुखदेव गोस्वामी जी को 7 दिन तक एक द्वार पर रोके रखा, गुरु महाराज जी सुनाते थे ना कथा, तब 49 डेज तक परीक्षा करने के पश्चात में जनक महाराज जी ने उनको भागवत का उपदेश दिया। तो महाराज जी के मन में विचार आया, इतनी परीक्षा देने के पश्चात में सुखदेव गोस्वामी जी को भागवत सुनने को मिली, तो मैंने तो कोई परीक्षा ही नहीं दी,
झट वापस आ गए मठ में, कोई बात नहीं, शासन किया कोई बात नहीं, झट वापस आ गए। आकर के धीरे 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 प्रभुपाद जी से कथा सुनने लगे। एक दिन प्रभुपाद जी छत पर टहल रहे थे। प्रभुपाद जी रात के समय में कुछ भी प्राय प्रसाद नहीं पाया करते थे, रात के समय में प्राय कुछ नहीं लेते थे। संध्या के समय प्रभुपाद जी छत पर टहल रहे थे एक सेवक के साथ में। महाराज जी ऊपर चले गए, जाकर एक कोने में खड़े हो गए, कुछ नहीं बोले। प्रभुपाद जी ने उनको देखा और सेवक से पूछा वो कुछ कहना चाहते हैं। सेवक गए उनके पास में, उनसे पूछा प्रभुपाद जी पूछ रहे आप कुछ कहना चाहते हो? महाराज जी ने कहा नहीं मैं कुछ नहीं कहना चाहता। सेवक वापस गए प्रभुपाद जी के पास, जाकर के कहा नहीं उनको कुछ नहीं कहना है। प्रभुपाद जी ने कहा जब वो यहाँ आए हैं तो अवश्य उनके मन में कोई ना कोई बात होगी। सेवक दोबारा गए, दोबारा जाकर के पूछा आपको प्रभुपाद जी पूछ रहे हैं आपको कुछ कहना, आपको कोई वक्तव्य है, आपके मन में कुछ है? तो प्रभुपाद जी के निकट में जाकर उन्होंने बंगला भाषा में कहा हाँ मुझे एक बात कहनी है, मेरा एक वक्तव्य है। प्रभुपाद जी ने पूछा क्या वक्तव्य है? कहते आपकी प्रसन्नता, आप प्रसन्न हो ये बात मुझको कहनी है। महाराज जी ने स्वयं अपनी आत्मकथा में लिखा है कि प्रभुपाद जी के मन में ये बात लग गई, प्रभुपाद जी के मन में ये बात उनको स्पर्श कर गई उनके हृदय को। महाराज जी ने कुछ नहीं कहा, जाके बस इतना ही बोला आपकी प्रसन्नता। प्रभुपाद जी ने उनको एक ग्रंथ दिया, अपने हाथ से भेंट किया। महाराज जी मठ में आने जाने लगे, कथा सुनते, कथा सुनने में उनकी बड़ी अनुरक्ति थी, बड़ी अनुरक्ति। वो तो स्वयं अपने वृद्ध अवस्था में अपने मुख से कहा करते थे हम लोगों को शिक्षा देने के लिए। बहुत ही एक शब्द उन्होंने व्यवहार किया अंग्रेजी भाषा में अपने लिए, क्या कहते थे कि अभी स्मरण नहीं आता हमको, एक बड़ा सुंदर शब्द व्यवहार किया कि मैं कैसा श्रोता था, जिसको कहते ना सब समय बड़ा अलर्ट रह करके कथा सुनते थे। कहीं पर भी प्रभुपाद जी कुछ कह रहे हैं उनके कान उसी समय बस प्रभुपाद जी के मुख से कोई शब्द निकला उनके कान बस प्रभुपाद जी के मुख की ओर सब समय। कार्य अपने सेवा कार्य में कहीं है प्रभुपाद जी के शब्दों की ओर बस उनके कान सब समय में ललायित रहते थे। तो महाराज जी कथा सुनते थे और प्रभुपाद जी भी बड़ा उनको लक्ष्य करते थे, कथा सुनने में इनकी बड़ी रुचि है। पूज्यपाद भक्ति विवेक भारती गोस्वामी महाराज जी, वो पूज्यपाद महाराज जी को बार बार प्रेरणा देते थे आप मठ में आ जाइए, सब कुछ छोड़कर आ जाइए। तो महाराज जी मन में विचार करते कि मेरे मठ में आने में क्या बाधा है, क्या बाधा है मेरे मठ में आने में? उनका विवाह हुआ था और दो भाई थे छोटे, पिता की मृत्यु हो गई, माता थी, उनकी माता उन पर दूसरा विवाह करने के लिए उनके ऊपर में जोर देती थी किंतु वो उन्होंने स्वीकार नहीं किया। तो उनके मन में विचार था यदि मैं मठ में आ जाऊँ तो किसको असुविधा होगी, एक मेरी माँ है एक मेरी पत्नी है, किसको असुविधा होगी? उनकी माँ हरिद्वार में गई ना कहा कुंभ के मेले में गई, माता ने शरीर छोड़ दिया। अब महाराज जी के मन में आया कौन बचा है, एक स्त्री बची है मेरी, मेरी एक पत्नी बची है, उसको मेरे मठ में आने से असुविधा होगी। जब एक भाड़े के घर में रहा करते थे और प्रभुपाद जी की कथा सुनने जाते थे, वापस लौट करके आए तो उनको एक तार मिला कि उनकी पत्नी की जो स्वास्थ्य है वो बड़ा ख़राब है। वापस लौटे हापनी अपने गांव में, 3 दिन में पत्नी की मृत्यु हो गई। भगवान ने पूरा मार्ग उनके लिए क्या कर दिया, सीधा मार्ग बना दिया। अब उनके दो छोटे भाई थे हॉस्टल में रहा करते थे, महाराज जी मठ में आए। पूज्यपाद भारती गोस्वामी महाराज जी ने कहा आप मठ में आ जाओ। प्रभुपाद जी के वचन उन्होंने सुने कथा में, यदि थोड़ी सी आग लगी है आप उस आग को बुझाने जाओगे और अधिक आग लग गई तो आप स्वयं जल जाओगे, उस आग को थोड़ी सी आग को भी बुझाने मत जाओ। माने संसार में तो कुछ थोड़ा सा कर्तव्य मेरा रह गया है, अभी दो छोटे भाई हैं, इनकी शिक्षा, उनके मन का विचार था पहले इनकी पढ़ाई पूरी हो जाए, इनकी कहीं नौकरी लग जाए तब मठ में आऊँगा। प्रभुपाद जी की ये कथा सुनी, थोड़ी सी आग है उसको बुझाने मत जाओ, कहीं इसी के बीच में और अधिक आग लग जाएगी। पूज्यपाद भारती गोस्वामी महाराज जी ने उनको कहा भगवान ने आपके लिए, कृष्ण ने आपके लिए बहुत कुछ किया है, अब आप इस अवसर को मत छोड़िए, आप मठ में आ जाइए। महाराज जी ने लिखा मैं मठ में आ गया, दोनों छोटे भाई मेरे साथ में आए, रोते रोते वापस चले गए, मैं मठ में रह गया, मैं मठ में रह गया। और जब महाराज जी उनके चरित्र का इसी से अनुमान लगा लो, जब महाराज जी मठ में आए ना, जब ये पता चला कि अब ये मठवास करेंगे, प्रभुपाद जी ने बड़े आनंदित होकर के गीता का एक श्लोक कहा था, बड़े आनंदित होकर के, यद यद आचरति श्रेष्ठास तद देव इतरोजना, श्रेष्ठ पुरुष जैसा आचरण करते हैं ना साधारण लोग उनका अनुगमन करते, कितने महान चरित्र संपन्न होंगे। जब मठवास उनका प्रारंभ हुआ, मठ में रहने आए,
प्रभुपाद जी ने आनंदित होकर के कहा था, यद यद आचरति श्रेष्ठा तद देव पितरोजन, तो कितने श्रेष्ठ वो होंगे मन में विचार कर। और जब प्रभुपाद जी ने प्रकट लीला की तो उनके मुख से शिरूप मंजरी पद सही मोर संपद, महाराज जी स्वयं अपने मुख से कहा करते थे, प्रभुपाद जी ने ये ज्ञान सुन करके मुझको क्या दिया है, मुझको अथॉरिटी दे दी है, ये गान सुन करके मुझको स्वयं प्रभुपाद जी ने अथॉरिटी दी। प्रभुपाद जी ने स्वयं शिला भक्ति वेदांत तो स्वामी महाराज जी इसी स्थान पर उनकी भजन कोटी अभी हम जाएंगे, दोनों बैठे हुए थे ऊपर जाके अभी देखेंगे, शिला भक्ति वेदांत तो स्वामी महाराज जी वो पूज्यपाद श्रीधर गोस्वामी महाराज जी को बतला रहे इसी स्थान पर उनकी भजन कोटी, उनकी वृद्ध अवस्था में। शिला श्रीधर गोस्वामी महाराज जी बहुत वृद्ध हैं और शिला स्वामी महाराज जी विदेश से प्रचार करके लौटे और आते थे उनके पास में पराए, हमारे परम गुरु जी सब प्रभुपाद जी के गणेश स्थान पर आते थे, गौर पूर्णिमा के पश्चात पूज्यपाद महाराज जी सबको निमंत्रण करते थे, सब यहाँ आते, क्योंकि महाराज जी से हमारे परम गुरु जी ने पूज्यपाद नारसिंह गोस्वामी महाराज जी ने, जहाँ तक मुझको स्मरण है शिला भक्ति कमल मधुसूदन गोस्वामी महाराज जी ने, सब ने पूज्यपाद महाराज जी से ही संन्यास लिया था, तो सब लोग आते यहाँ पर, बड़े सुंदर रूप में इष्ट गोष्ठी होती, महाराज जी प्रसाद इत्यादि सब परिवेशन करते, हरि कथा कीर्तन होता, सब लोग आते, ये स्थान सबकी पदांगपूत धूली, हमारे परम गुरु जी हमारे गुरु महाराज जी सब लोग इस स्थान पर आते, तो शिला भक्ति वेदांत स्वामी महाराज जी वो भी आया करते थे। तो शिला स्वामी महाराज जी पूज्यपाद श्रीधर गोस्वामी महाराज जी को ये बात बतला रहे हैं, स्मरण करा रहे हैं कि शिला प्रभुपाद जी ने बम्बई में कभी शिला भक्ति रक्षक श्रीधर गोस्वामी महाराज जी के लिए इस बात को कहा था बंगला भाषा में कि भक्ति रक्षक श्रीधर महाराज भविष्य में हमारी भक्ति की रक्षा करें। स्वयं शिला प्रभुपाद जी ठाकुर भक्ति सिद्धांत सरस्वती गोस्वामी प्रभुपाद जी शिला भक्ति रक्षक श्रीधर गोस्वामी महाराज जी के लिए इस बात को कह रहे हैं कि भक्ति रक्षक श्रीधर महाराज भविष्य में हमारी भक्ति की रक्षा करेंगे, और उन्होंने किस प्रकार से उस भक्ति की रक्षा की है ये इतना सूक्ष्म विचार है, इतना सूक्ष्म विचार जिनका कुछ प्रवेश है ना वो समझ पाएंगे इस बात को कि कैसे उन्होंने रक्षा की है। उनके गुरु भाई लोग उनसे कहा करते, उनके विषय में कहा करते थे, यदि हमको प्रभुपाद जी की कथा सुननी है, यदि हमको प्रभुपाद जी के विचार सुनने हैं तो हमको पूज्यपाद श्रीधर महाराज जी के पास जाना पड़े, यदि हमको प्रभुपाद जी की कथा सुननी है, प्रभुपाद जी के विचार सुनने हैं, हमको पूज्यपाद श्रीधर गोस्वामी महाराज जी के पास जाना पड़े। और उनकी कथा श्रवण करके उनके गुरु भ्राता लोग उनसे कहा करते थे, आपकी कथा सुन करके ऐसा लगता है कि जैसे हमने श्रीला सरस्वती ठाकुर जी की कथा श्रवण की, आपकी कथा सुन करके ऐसा आभास होता है। तो इस प्रकार से महाराज जी इतने सूक्ष्म विचार संपन्न थे, इतने सूक्ष्म विचार संपन्न थे और इतने अद्भुत कोटि के वो कवि थे जिसको भाषा से वर्णन करना कठिन है। प्रभुपाद जी का अष्टक लिखा है, कैसे कैसे गुण लिखे उन्होंने, कितना माने अलंकारिक भाषा में लिखा है प्रभुपाद जी के विषय में, तरु एक एक गुण जो प्रभुपाद जी का एक एक गुण है, तरु धिकृत धीर वदान्य वरम, कितनी अलंकारिक भाषा है, तरु धिकृत धीर वदान्य वरम। प्रभुपाद जी कैसे वदान्य है, वृक्ष को वदान्य कहा जाता है, वृक्ष क्या देता है, फूल देगा, फल देगा, छाया देगा, कोई जो पत्थर मारे उसको भी अपना सब कुछ देगा, जलावन देगा, छाला छाया देगा, फूल देगा, ऐसे तरु धिकृत धीर वदान्य वरम, जो वृक्ष है ना प्रभुपाद जी की वदान्यता ऐसी है कि उनकी वदान्यता वृक्षों की वदान्यता को भी धिक्कार देने वाली, माने उनकी वदान्यता उनकी दया के सामने वृक्षों की भी जो दया वदान्यता है ना उसकी तो कोई तुलना ही नहीं हो सकती। इतने सुंदर सुंदर उसमें विशेषण दिए हैं, महादद्भुत पावन शक्ति पदम प्रणमामि सदा प्रभुपाद पदम यति राजगणे परिसेव्य पदम, एक एक पद देखो कैसे कैसे पद लिखे हैं उन्होंने। भक्ति विनोद ठाकुर जी के विषय में एक दशकम लिखा, दशकम संभवतः लिखा था जिसको सुनकर के उसमें इतने सुंदर रूप में उन्होंने एक विचार बताया कि श्रीमद् भक्ति विनोद ठाकुर जी ने कैसे रूप रघुनाथ जी की संपत्ति को दान किया है, प्रभुपाद जी के माध्यम से दान किया है, इतने सुंदर रूप में बताया कि शिला प्रभुपाद जी उनके उसको सुन करके बड़े संतुष्ट हुए, बड़े संतुष्ट। तो इतने उन्नत कोटि के कवि थे। नित्यानंद प्रभु जी का एक अष्टक लिखा है, बहुत बहुत सारे उन्होंने नित्यानंद, एक प्रभुपाद जी का लिखा है, एक प्रणति पंचकम, इतना सुंदर लिखा वो तो आप लोगों ने संभवतः सुना नहीं होगा,
इतने सुंदर रूप में प्रभुपाद जी की आविर्भाव तिथि की उन्होंने उसमें वंदना की है। विमलोत्सव ममलोत्कल पुरुषोत्तम जननम प्रणमामि च चरणांतिक परिचारक सहितम। विमलोत्सव ममलोत्कल पुरुषोत्तम, मम उत्कल, उत्कल देश में प्रभुपाद जी का आविर्भाव हुआ, और प्रणमामि च चरणांतिक परिचारक सहितम, मैं आपके चरणों में आपके परिचारकों के साथ में प्रणाम करता हूँ। हरि साधन कृत बाधन जन शासन कलनम, हरि नामक हरि धामक हरि कामक रटनम। इतनी सुंदर सुंदर अलंकारिक भाषा में लिखते हैं, हरि कामक हरि का मनोविष्ट, हरि नामक हरि धामक रटनम, इतना सुंदर सुंदर लिखा ना, हृदय गदगद हो जाता है पढ़ करके। क्या अद्भुत कोटि के कवि थे, और शास्त्रों से इतने सूक्ष्म सूक्ष्म विचार, इतने सूक्ष्म सूक्ष्म विचार, मतलब जिसको सुन करके उनके गुरु भ्राता लोग, जो उनसे भी ज्येष्ठ लोग थे, हमारे परम गुरु जी हैं, उनके उनसे ज्येष्ठ हैं परम गुरु जी, पहले मठ में आ गए, उनके गुरु भ्राता लोग भी उनको साधुवाद दिया करते थे, उनके विचारों को सुन करके साधुवाद। शिलापुरी गोस्वामी महाराज जी, वो उनसे ज्येष्ठ गुरु भ्राता, पहले मठ में आ गए, किंतु उनके कथाओं को सुन करके उनको साधुवाद दिया करते, इतने सूक्ष्म सूक्ष्म विचार दिया करते थे ना, अद्भुत अद्भुत उनके विचार प्रणाली थे। इसलिए प्रभुपाद जी ने स्वयं उनके विषय में कहा, भक्ति रक्षक श्रीधर महाराज जी भविष्य में हमारी भक्ति की रक्षा करेंगे, और उन्होंने की भी है। बड़े सूक्ष्म रूप में प्रभुपाद जी की उस विचारधारा का उन्होंने बड़े सुंदर रूप में पोषण किया है। तो यदि समय होता ना, तो हम सुनते कुछ उनके 2-4-10 विचारों को सुनते, कि कैसे परिवेशन किया करते थे विचारों को, कैसे शास्त्रों के विचारों का कितना सुंदर सुंदर सामंजस्य किया करते थे, कितना सुंदर सुंदर सामंजस्य किया करते, तो बड़े सुंदर रूप में। अब मुखमर तो बहुत सारी बातें आ रही हैं, किंतु क्या सुनाऊं, सभी की अवस्था भी ऐसी लग रही है कि चलो फिर कभी सुन लेंगे। ऐसी ऐसी वस्तु दे करके गए हैं, ऐसी ऐसी वस्तु, बड़े बड़े सूक्ष्म रूप, बड़े सूक्ष्म रूप। सुनाऊं एक विचार, सुनोगे? एक समय महाराज जी कथा में बोल रहे थे, कथा में क्या बोल रहे थे, देखो 4-5 बातें एक साथ मन में आ रही हैं, एक सुनाता हूँ। सारी सुना दो, इतने बड़े अच्छा हैं बैठे हैं, इतने सूक्ष्म विचार होते हैं ना, उसको मन दे करके जब सुनो ना, तब कहने की भी बड़ी इच्छा होती है। मैंने पहले भी कहा है, और कुछ नहीं कहा होगा उसको भी सुनेंगे। उनके निकट में यहाँ पर श्री स्वामी महाराज जी के बहुत सारे शिष्य लोग प्रतिदिन कथा सुनने आते थे, प्रतिदिन कथा सुनने। तो उनसे एक समय किसी ने प्रश्न किया, महाराज जी आपने इस स्थान को क्यों चुना, नवदीप में आपने इस स्थान को क्यों चुना, और ये जो स्थान है आप सब समय कहते हो ये अपराध भंजन पाठ है, ये कोलदीप, पूरा कोलदीप जो है ये अपराध भंजन पाठ है। तो महाराज जी ने उत्तर दिया, हाँ ये कोलदीप जो है वो अपराध भंजन पाठ है। और महाराज जी ने क्यों नवदीप में भी इसी स्थान को चुना, जब श्री चैतन्य महाप्रभु जी संन्यास लेकर के गए ना पुरी, तो महाप्रभु जी लौट करके आए थे एक समय, चैतन्य भागवत में इसका वर्णन है, महाप्रभु जी लौट करके आए, और लौट करके कहाँ रहे, सार्वम भट्टाचार्य जी के जो भाई है ना मधुसूदन वाचस्पति हैं, उनके घर में रहे, मधुसूदन वाचस्पति उनके भाई ना शिष्य, उनके भाई के घर में रहे महाप्रभु जी। फिर कुलिया में चले गए उधर महाप्रभु जी, जब उनके घर में बहुत भीड़ हुई, महाप्रभु जी उधर से कुलिया में चले गए, चैतन्य भागवत में वर्णन आता है। तो जब महाप्रभु संन्यास लेकर के गए थे, तो जितने पड़ुआ लोग थे ना, वृंदावन दास ठाकुर जी ने बड़ा मार्मिक वर्णन किया, जितने पड़ुआ लोग थे, पड़ुआ मतलब जो छात्र महाप्रभु के पास पढ़ते थे, जो उनको समझ नहीं सके ये वास्तव में कौन है, जब महाप्रभु संन्यास लेकर के चले गए ना, तो सब उनके विरह में इतना क्रंदन करने लगे, इतना क्रंदन करने लगे, सबको बड़ा पाश्चाताप हुआ, हम ऐसे गुण निधि को हम लोग पहचान नहीं सके, क्योंकि बाहर से तो स्वभाव से ही हम लोग सब जजमेंट कर लेते हैं, ये वैष्णव कैसे, गुरुजी कैसे, उनके अंतर की जो संपत्ति है उसको लक्ष्य करने का सौभाग्य तो सबको नहीं मिलता है। जब महाप्रभु जी चले गए संन्यास लेकर के, सब लोग ऐसे क्रंदन करने लगे, देखो गुरु महाराज जी आज नहीं है, जब प्रकट थे तो इतना रोते थे भक्त लोग उनके विषय में, आज नहीं है, उनके गुणों को सुन रहे हैं नहीं है, माने नेत्रों के सामने हमको दिखलाई नहीं देते, है तो सही, तो कितना रोते हैं भक्त लोग, कितना रोते हैं उनके लिए। तो देखो जब महाप्रभु जी के ऐसे रो रहे, जब पता चला ना भक्तों को कि महाप्रभु जी संन्यास लेकर यहाँ आए, ऐसी अवस्था हो गई, लाख लाख लोग आने लगे, लाख लाख लोग,
दर्शन करने के लिए महाप्रभु का। तो वृंदावन दास ठाकुर जी ने एक बड़ी सुंदर बात लिखी है जिसको महाराज जी ने कोट किया। उन्होंने इस धाम का आश्रय लिया ना, उस धाम में भी इस कोलदीप का आश्रय लिया। क्यों? पहले तो गए नित्यानंद प्रभु जी के पास में महाराज जी, नित्यानंद प्रभु जी से परमिशन लेकर आए, ओ आई वॉन्ट टू मेक अ हट इन नवदीप धाम, यू प्लीज ग्रांट, आप इसको अनुमति दे दीजिए। कितना एक मार्ग दिखाया हमको, धाम में वास ऐसे ही नहीं किया जाता। धाम में वास करने की इच्छा हुई, पहले नित्यानंद प्रभु जी के स्थान गए एक चक्रा, उनसे अनुमति ली और उसके पश्चात यहाँ कर रहे। अपने जीवन के प्राय 45 से भी अधिक वर्षों तक वो इसी स्थान पर रहे, इसी स्थान। तो महाराज जी कहते हैं महाप्रभु जी के मन में क्या विचार था जब महाप्रभु जी यहाँ आए ना, जितने भी लाख लाख भक्त लोग आए, लाख लाख भक्त लोग, एक भी व्यक्ति ऐसा नहीं था महाप्रभु जी ने जिसकी इच्छा को पूरा नहीं किया हो। कुलिया प्रकाशे प्रभु श्री कृष्ण चैतन्य है नो ना ही जा रहे प्रभु ना ही कह लो धन्य। जब कुलिया प्रकाशे, महाप्रभु पुनः आए ना संन्यास लेने के पश्चात, कुलिया प्रकाशे, कुलिया में उनका पुनः प्रकाश हुआ, कुलिया प्रकाशे प्रभु श्री कृष्ण चैतन्य है नो ना ही जा रहे प्रभु ना कर लो धन्य। एक भी व्यक्ति ऐसा नहीं था जिसको महाप्रभु जी ने धन्य नहीं किया हो। है तो महाराज जी कहते ऑल द परमिशंस वर ग्रांटेड हियर, ऑल द पिटिशंस वर ग्रांटेड हियर। महाराज जी ने शब्द कहे, क्यों लिया इस कुलिया, इस कोलदीप में उन्होंने आश्रय, ऑल द पिटिशंस वर ग्रांटेड हियर। सबकी इच्छा को महाप्रभु ने पूरा किया, सबकी इच्छा को। तो यहाँ पर 45 वर्षों तक प्राय, उन्होंने 45 वर्षों से भी अधिक समय उन्होंने यहीं पर व्यतीत किया। उनके विषय में सुना हमने, पढ़ा हमने, श्रीला स्वामी महाराज जी ने जब उन्होंने अपना प्रचार प्रारंभ किया और लौट करके आए ना एक दो वर्षों के पश्चात, मायापुर में जब स्थान इत्यादि हो रहा था, तो श्रीला स्वामी महाराज जी पूज्यपाद महाराज जी को अपना शिक्षा गुरु के रूप में सम्मान करते थे। तो उन्होंने पूज्यपाद महाराज जी से प्रार्थना की कि आप मेरे स्थान पर आ जाइए, बहुत बड़ा स्थान लिया था, आप मेरे स्थान पर आ जाइए, यहाँ रहिए और जिन लोगों को मैं लेकर के आ रहा हूँ इनको आप शिक्षा दीजिए। महाराज जी ने बड़े प्रीतिपूर्वक नम्रतापूर्वक उत्तर दिया कि महाराज जी मैं जो अपना जीवन है ना, बस थोड़े से अंतरंग भक्तों के सामने साथ में अपने हृदय की वार्ता को कहते सुनते मैं व्यतीत करना चाहता हूँ, बड़े सामान्य रूप में अपने जीवन को मैं व्यतीत करना चाहता हूँ। और उन्होंने यही किया भी, यही उन्होंने किया भी, संपूर्ण जीवन प्राय यही रह करके। पहले प्रभुपाद जी के समय में तो बहुत प्रकार की सेवाएँ की, बहुत प्रचार किया है बहुत प्रकार से, किंतु प्रभुपाद जी के जाने के पश्चात इस स्थान पर आ गए, बड़ी सुगंभीर भजन लीला उन्होंने प्रकाशित की। ऐसा भजन का प्रताप था, ऐसा भजन का तप था, महाराज जी कहीं नहीं गए, संपूर्ण जगत खींच करके उनके चरणों में आ गए। और आज भी उनके विचारों को ले ले करके लोग आश्चर्य में पड़ते हैं, कितने सूक्ष्म विचार बोला करते थे। अरे हमारा तो कोई ना सामर्थ्य है, ना अधिकार है, ना संस्कार है, जब हमारे जैसे लोग ही उनकी व्याख्याओं को पढ़ते हैं, उनके कथाओं को श्रवण करते हैं, तो ऐसे रोंगटे खड़े हो जाते हैं। कितने शास्त्रों के सूक्ष्म सूक्ष्म विचार बतलाया करते थे। और एक सबसे अच्छी बात जो उनकी, और कितनी उनकी गुणावली है किंतु जो व्यक्तिगत रूप से स्पर्श करती है, इतना सुंदर सामंजस्य करते हैं, कोई प्रश्न पूछो, शास्त्र का कोई विचार उत्थापित हो, इतना सुंदर सामंजस्य करते हैं उसका कि हृदय जो है ना संपूर्ण रूप में संतुष्ट हो जाता है। जैसे गुरु के विषय में कहा गया ना, वो एक श्लोक में कहते हैं सर्व संशय संक्षेत अनलसो गुरु राहिरता, जो शिष्य के सब संशयों को संपूर्ण रूप में छेदन कर दे, संतुष्ट कर दे उसको शास्त्रों के विचार से। शिष्य प्रश्न पूछ रहा है एक दिशा में, गुरु जी उत्तर दे रहे दूसरी दिशा में, तो संतुष्ट होगा शिष्य। और महाराज जी की कथा सुनो, इतना सुंदर सामंजस्य करते, इतना सुंदर सामंजस्य क्या बतला है। तो इसलिए बहुत सारे उनके तो ऐसे सूक्ष्म सूक्ष्म विचार हैं, है ना। गायत्री की व्याख्या देखो उनकी, क्या ब्रह्म गायत्री की उन्होंने राधा परक व्याख्या की है, कितने अद्भुत अद्भुत उनकी गुणावली। तो यहीं तक रहे, फिर कभी समय सुयोग होगा, सौभाग्य उदित होगा, सुनेंगे उनके कुछ ऐसे ही सूक्ष्म सूक्ष्म विचारों को सुनेंगे। एक भक्त ने उनसे ये पूछा कि प्रारंभिक दशा में हम बहुत सारी बातें सुनते हमको समझ में नहीं आती, प्रारंभिक दशा में हम बहुत सारी बातें सुनते हैं, कथा सुनते हैं, हमको समझ में नहीं आते, हम विचारों का सामंजस्य नहीं कर पाते,
होता है ना ऐसा, स्वाभाविक रूप में सबके साथ होता है, कुछ सुना उसका सामंजस्य नहीं कर पाते। तो महाराज जी ने उसका इतना सुंदर उत्तर दिया, उसको फिर पीछे सुनाऊंगा संध्या के सामने बड़ी लंबी कथा है वो। उन्होंने प्रभुपाद जी का सुनाया, एक प्रश्न आपके मन में भी रख दिया, संध्या के समय कथा में सुनाएंगे। हमने छोटी